बख्तावर भुट्टो जरदारी के होने वाले शोहर महमूद चौधरी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चॉइस है, जिन्होंने महमूद की शख्सियत खुसूसन इनके अखलाक और शराफत से मुतासिर होकर अपनी बेटी का हाथ इनके हाथ में देने का फैसला किया। इस बात का इंकशाफ दुबई में मुकीम बख्तावर भुट्टो जरदारी के मंगेतर चौधरी महमूद के वालिद चौधरी यूनुस के 30 साल पुराने दोस्त इदरीस खान ने एक इंटरव्यू में किया है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी का पंजाब के आरई खानदान में रिश्ता तय होने पर मुल्क भर में बहस जारी है। लोग जानना चाहते हैं कि लाहौर के फारूकगंज मोहल्ला से ताल्लुक रखने वाले बख्तावर भुट्टो जरदारी के मंगेतर चौधरी महमूद आरई और इनके वालिद चौधरी यूनुस आरई कौन है और ये रिश्ता कैसे तय पाया। इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए इंडिपेंडेंट उर्दू ने लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब मोहल्ला फारूकगंज मिस्री शाह के इलाके में चौधरी यूनुस के आबाई घर हवेली और कम्युनिटी सेंटर के आसपास लोगों की राय जानी। मोहल्लेदारों ने बताया कि ये लोग यहाँ कभी कभार आते हैं, घर में मुलाजिम रहते हैं, हवेली भी इनकी आमद पर ही खुलती है, लेकिन यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में मोहल्ले के लोगों की शादियाँ और तकरीबात मुफ्त होती हैं, जो चौधरी खानदान ने आम लोगों के लिए मुख्तस कर रखा है। अहले इलाके ने खानदान की सखावत का जिक्र करते हुए चौधरी महमूद की बख्तावर से मंगनी तय होने पर हैरानकुन खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि चौधरी यूनुस दुबई से पाकिस्तान आते हैं तो शहर के पोश इलाके जौहर टाउन में रहते हैं। अब सवाल ये है कि लाहौर का ये आरई खानदान पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान से कैसे जुड़ा। इस सवाल का जवाब देते हुए चौधरी यूनुस के 30 साल पुराने दोस्त इदरीस खान ने बताया कि वो 50 पैसे फीस देकर बनने वाले पीपल्स पार्टी के बानी अराकीन में शामिल हैं और चौधरी यूनुस भी पीपल्स पार्टी के पुराने रुकन हैं, लेकिन वो सियासी तौर पर ज्यादा मुतहरिक नहीं थे। इनके बेटे चौधरी महमूद ने सन 2013 के इंतखाबात से पहले अपने वाले से पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दरख्वास्त की तो उन्होंने उसे मेरे हवाले कर दिया। मैंने चौधरी महमूद की मुलाकात तब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर से करवाई, जिन्होंने महमूद को बिलावल हाउस लाहौर में जरदारी साहब से मिलवाया था। उन्होंने मजीद बताया कि महमूद ने इलेक्शन तो ना लड़ा, लेकिन जब पंजाब में पीपल्स पार्टी सन 2013 में शिकस्त से दोचार हुई तो वो बहुत रंजीदा हुए और आसिफ अली जरदारी से अफसोस करने गए, लेकिन उन्होंने महमूद को हौसला दिया कि खैर है कि सियासत में ये सब चलता है। इसी दौरान जरदारी साहब ने महमूद को बिलावल भुट्टो जरदारी के करीब किया। इसका भी दिल टूटा हुआ था, परेशान था कि इलेक्शन में हम पंजाब से हार गए हैं। ये 13 के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसने जरदारी साहब के पास आना जाना शुरू कर दिया था और कहता था कि इस वक्त वो टूटा हुआ इंसान है, उसके पास मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो उसने आके बताया कि वो तो बहुत बहादुर आदमी है, वो तो मुझे तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, फिर हम इकदार में आएंगे। इदरीस खान का कहना है कि लोग समझते हैं कि चौधरी यूनुस और इनके बेटे की अचानक एंट्री हुई, लेकिन वो गलत है। वो कई बरसों से बिलावल और जरदारी के करीब हैं। ये कई दिहाइयां पहले दुबई शिफ्ट हो गए थे, वहां लोहे का कारोबार शुरू किया था और तब से ही एक मालदार घराना है। दुबई में महमूद के वालिद को यूनुस क्रेन वाला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग दुबई के यूनुस को अमरीका वाले यूनुस के साथ मिक्स करते हैं क्योंकि वो भी अपने नाम के साथ चौधरी लगाते हैं। इस हवाले से कुछ गलत फहमियां भी पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत यह है कि दुबई वाले चौधरी यूनुस और हैं और अमरीका वाला चौधरी यूनुस और है, जो कि आईने पाकिस्तान में काफिर करार दिए गए कादियानी फिरके से ताल्लुक रखता है। उनसे तो नहीं हुई, उनके वाले साहब से बात हुई है, वो परेशान थे कि यार ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो ये मैं तो मुसलमान हूँ, सुन्नी मुसलमान हूँ। चौधरी यूनुस के खानदान ने दुबई में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपना नाम और साख बनाई है और अब इनका कंस्ट्रक्शन मशीनरी सप्लाई का काम भी बहुत फैल चुका है। जब इदरीस खान से पूछा गया कि क्या बच्चों ने एक दूसरे को खुद पसंद किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि आसिफ अली जरदारी ने खुद महमूद की वफादारी इखलाक और शराफत से मुतासिर होकर चौधरी यूनुस से इनके बेटे का रिश्ता बख्तावर भुट्टो जरदारी से करने की पेशकश की थी, जो उन्होंने बखुशी कबूल की। उन्होंने इंकशाफ किया कि यह रिश्ता काफी पहले तय हो चुका है, मंगनी की बाकायदा रस्म अब रखी जा रही है। मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगी, जबकि शादी की तकरीब 2 माह बाद 29 जनवरी को कराची में मुनाकिद होगी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।